देखते हैं ससेशनिज्म। ससेशनिज्म जो है ये एक तरीके की डिजायर है, इच्छा है लोगों की, कह सकते हैं एक राज्य की, एक प्रोविंस की, कि वो जो है अपनी कंट्री से अलग हो जाए। अब यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको रीजनलिज्म और ससेशनिज्म के बीच में। अगर किन्हीं कारणों से जो इंडिया में लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें एक अलग स्टेट चाहिए अपने लिए, और उसके लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, और तब ये कहलाता है रीजनलिज्म, हम एक अपने एरिया के लिए हम जो है डिमांड कर रहे हैं। पर अगर यही ग्रुप्स वायलेंट बन जाते हैं, अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं एक रेबेलियस लोगों में, यानी कि जो बगावत कर देते हैं और ऐसे मूवमेंट की स्टार्ट कर देते हैं जिसमें सेसेशन होता है कंट्री से, सेपरेशन होता है कंट्री से, अब चाहते हैं कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट सेपरेट सोवरेन स्टेट खड़ा कर ले, तब ये बन जाता है सेसेशनिज्म। अब यहाँ डिफरेंस होता है एक डिमांड जो ऑटोनॉमी की है या जो सेपरेट सोवरेन स्टेट है कंट्री से, उसके बीच में एक डिफरेंस है। ऑटोनॉमस स्टेट वो होता है जब वो कंट्री के अंदर रहता है, और सेपरेट स्टेट वो होता है जब आप कंट्री से अलग हो जाते हो और एक बिल्कुल नया ही राज्य एस्टैब्लिश कर लेते हो। तो ये जो प्रोसेस है सेसेशनिज्म का कंट्री के अंदर, ये जो है इसमें कंट्री डिवाइड हो जाती है। सेसेशनिज्म जो है ये काफी डेंजरस है इंटीग्रेशन और यूनिटी की कंट्री के लिए। तब आप जैसे अलग ही एक उसकी मांग करने लग जाते हो कि हम तो कंट्री से बिल्कुल अलग होकर खुद का अपना एक वो बनाएंगे इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। हमारी कंट्री में भी कई सारे ऐसे एजिटेशंस हुए हैं ताकि हमें एक सेपरेट स्टेटहुड मिल जाए, जो फ्रेमवर्क है हमारे इंडियन स्टेट का उसके अंदर। जैसे आंध्र प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और रिसेंटली तेलंगाना, ये सब उसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। जो मिजो और नागा ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, असम के, उन्होंने कैरी किए थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट और काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज करी, बल्कि इतना ही नहीं उन्होंने जो है वायलेंट मूवमेंट भी कैरी आउट किए थे। पर उनकी जो डिमांड थी बाद में वो पूरी करी गई, उनको जो है एक सेपरेट स्टेट दे दिया गया जो हमारा फ्रेमवर्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी में ही। तो इसी तरीके से कई सारे ग्रुप्स जो है वो आज भी इस तरह की इंसर्जेंसीज कर रहे हैं ताकि उनको जो है एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा सके या उनको मिल जाए। शुरुआत के जो दशक थे इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें डिमांड जो है वो खड़ी होने लग गई कि एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट जो है द्रविड़स्तान आउटसाइड इंडियन यूनियन, उसको जो है बढ़ाया जाए सदर्न स्टेट में तमिलनाडु के। ये डिमांड जो है बाद में खत्म कर दी गई। इसी तरह से मूवमेंट कैरी आउट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में ताकि एस्टैब्लिशमेंट हो सके इंडिपेंडेंट कश्मीर स्टेट का, ये बहुत लंबे से चला आ रहा था। इसके बावजूद जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर, जिसमें कई सारे सेक्सेशनिस्ट ग्रुप्स जो थे वो जो है एग्जिट कर गए कश्मीर के अंदर। ये जो ग्रुप्स थे इन्होंने काफ़ी वायलेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज अपनाई, जिसमें उनको एक्टिव सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान से। तो जो प्रॉब्लम थी जम्मू एंड कश्मीर की, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था नेशनल यूनिटी के। कोई भी स्टेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बहुत ही ऐसी नैरो डिमांड कि कंट्री जो है वो उसको अलग कर दिया जाए। अगर इस तरह के लोग जो है डिमांड करते हैं और उससे क्या होता है वायलेंस, टेररिज्म, कोअर्शन और थ्रेट्स बढ़ते हैं, तो स्टेट भी जो है इस तरह के मूवमेंट्स को काफ़ी मजबूती से सप्रेस कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट्स है रीजनलिज्म और सेक्सेशनिज्म के और वायलेंस के जो उसके कारण से उठते हैं, या उनको जो है फोर्सेज जो है वो दबाने का काम करती हैं, क्योंकि ये सब जो है नहीं तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल वायलेंस की, तो हम जनरली एक ऐसे वायलेंस की बात करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होता है और इसको स्टेट द्वारा कराया जाता है अपने खुद के लिए, या ऐसा वायलेंस जो कमिट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के द्वारा इसको एड्रेस करने के लिए, यानी कि अब ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर की, या जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है स्टेट में उसको रोकने के लिए, या जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग ग्रुप्स की उनको रोकने के लिए स्टेट जो है वो हेल्प ले लेता है पुलिस फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और फाइनली आर्मी की जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो वायलेंस पर उतारू हो जाते हैं, अपना डिसकंटेंट यानी जो हम इस डिससेटिस्फाइड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं और डेस्परेट हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं कुछ भी करना है लेकिन हमें आपसे इतना ज़्यादा कम्फर्ट नहीं आ रहा है, हम खुश नहीं हैं। तो ऐसे में ये जो वायलेंस होता है स्टेट के अगेंस्ट, जो टारगेट होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, यहाँ तक कि मर्डर्स हो जाते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर है, सिविल वॉर है, इस तरह के वायलेंस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े होने लगे। दोनों ही तरह के वायलेंस जो लोग द्वारा किए जाते हैं स्टेट के अगेंस्ट
और जो वायलेंस कमिट किया था स्टेट के द्वारा लोगों के अगेंस्ट, इसने काफी बढ़त हासिल करी है इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में। वायलेंस सबसे ज्यादा काउंटर किससे किया जा सकता है? वायलेंस से। जब वायलेंस या फोर्स जो है वो इस्तेमाल करी जाती है अपने एक पॉलिटिकल एंड को पूरा करने के लिए, तो वो जो है टेररिज्म का शक्ल ले लेती है। पिछले कुछ सालों से टेररिज्म भी जो है बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में सिर उठा रहा है और ये जो है एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है पूरी दुनिया के लिए चिंता का। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो पास्ट में थे, पंजाब, ये सब जो है टेररिज्म प्रोन एरियाज माने जाते हैं। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनको भी टेररिस्ट नहीं मारा था। अब नक्सलाइट जो है वो टेररिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं ताकि वायलेंस को क्रिएट कर सके। जैसे जैसे वायलेंस और टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, स्टेट को जो है ज्यादा ठोस कदम उठाने की और असरदार कदम उठाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टेट जो है लोगों को डराएगा और हैरस करेगा फिर सिटीजन्स को, तो वो जो है फिर डेमोक्रेसी को सही से नहीं चला सकता। ऐसे स्टेट जो है वो हार्डली के जो है डेमोक्रेटिक कहलाएंगे।